नमस्ते खरसाङ। नमस्कार। नमस्ते खरसाङको यस टोलीमा आज म निर्मल गुरुङ लगायत मनिष छेत्री अनि अर्पण गुरुङ, आज हामी यस्ता व्यक्तिको घरमा आएका छौँ जसले केही दिन मात्र यहाँले एउटा घोषणा गरेको थियो कि यदि कोही बिलो पोभर्टी लाइन कि बिपिएल का कोही मानिस या व्यक्ति या परिवारका कुनै पनि सदस्य कोभिडद्वारा संक्रमित भएको खण्डमा त्यो व्यक्तिको परिवारलाई यहाँले सहयोग गर्ने पिपी किटको द्वारा साथै रासन पानी दिएर पनि यहाँले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो र हामीले च्यानल मार्फत पनि त्यो एउटा समाचार प्रेषित गरेका थियौँ र त्यसको लगत्तै एक दुई दिनभित्र नै यहाँले त्यो कार्यलाई त्यो वचनलाई पुरा गर्नुभयो र विशेष म यहाँ कुरो के गर्न चाहन्छु भने आज हाम्रो जुन चाहिँ यो कोरोनाको महामारीको बिच मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा कहीँ न कहीँ हामीले मानवता ह्युमेनिटी हराइरहेको छौँ, चाहे त्यो जानी जानी होस्, चाहे अन्जानमा होस्, चाहे हामीले नचाहँदा पनि होस्। किनभने अहिलेको समयमा हामीले चाहँदा चाहँदा पनि कोही कोरोनाद्वारा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हामीले सहयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। आफ्नै परिवारका सदस्यहरूले पनि आफ्नो परिवारका ती सदस्य जो जो सङ्क्रमित भएका छन् उहाँहरूलाई हामीले उपचार दिन सकिरहेका छैनौँ, भनेको जस्तो सहयोग गर्न सकिरहेका छौँ। अन्य रोगहरूमा हामीले क्यान्सरसम्म रोगहरूमा हामीले आफ्नो साथीलाई यानि कि आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यलाई छेउमा बसेर सेवा गर्ने मौका पाउँछौँ भने यो कोरोनाले आज हामीलाई त्यो मौका पनि दिइरहेको छैन। भन्नुको अर्थ कोरोनाले आजको दिनमा कुनै जाति धर्मलाई हेरेको छैन, कुनै व्यक्ति विशेष धनी व्यक्ति गरिब व्यक्ति छुट्याएको छैन र यस्तो समयमा एउटा यस्तो व्यक्ति अघि आयो जसले आफ्नो स्वार्थलाई पर राखेर भए तापनि मानवतालाई एउटा उदाहरण दिन अघि आएको छ। हुन त यो कुनै ठुलो कुरो होइन होला, तर प्रथम कुरो गर्नमा नै ठुलो एउटा हामी उपलब्धि मान्छौँ। किनभने भन्ने गरिन्छ कि यदि स्वर खोज्न जानुपर्छ भने हामीले मन मन्दिरमा नगएर आफ्नै घर छिमेकमा हेरौँ, को गरिब छ, को असहाय छ, कसलाई हाम्रो आवश्यकता पर्छ उनीहरूलाई मद्दत गरे ईश्वर आफै खुसी हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ र अन्तमा भन्नु पनि गरिन्छ कि प्रार्थना गर्ने ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हातहरू महान हुन्छ र यस्तै एक सेवा गर्ने हातका धनी अरुण यस्तै एक यस्ता व्यक्ति जसले आफ्नो त्यो कर्मलाई अघि राख्दै हामीसँग आज यस घरमा छन्। जसो हामी अघि बताइसकेको छु कि हामी प्रस्तुति टोली निर्मल गुरुङ, मनिष छेत्री अनि अर्पण गुरुङको साथमा हामी यस घरमा छौँ र यहाँ हुनुहुन्छ दिलीप बागची र म उहाँ यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब यहाँलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुभकामना मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस घड़ी में कोरोना का इस संक्रमित काल में भी आपने एक ऐसा सोच बनाया कि आप जो बीपीएल कैटेगरी के लोग के लिए आप कुछ करना चाह रहे थे, पहले इसके बारे में आप बताइए कि ये थॉट, ये विचार आपसे कैसे आया? ना देखिए, ये तो विचार पहले से था मेरा मन में। उसके बाद मैं तो 35 दिसंबर में रिटायर्ड हुआ जी, तो अभी ऑफिस में तो सुबह जाता हूँ, शाम को रात में घोड़ा वापस आता हूँ, तो उसे मेरे अंदर टाइम नहीं था जी। सबसे बड़ा बात है मेरा फैमिली मेरा साथ दिया जी। और पहले से हम लोग बातचीत कर रहा था घर में, मेरे वाइफ मेरा बेटा बोले ठीक है तुम करो तो हम लोग तुम्हारे साथ है। फिर उस लड़का के साथ बात हुआ यंग, वो लोग भी बोला ठीक है आप अंकल आप कीजिए हम लोग आपके साथ है। फिर इस कोरोना काल में जो बोला ह्यूमैनिटी मानवता इसे पर्याय में इसे स्टेज में चला गया, बहुत दुख होता है। तो उसी टाइम में मैं सोचा ठीक है इंसान तो इंसान के लिए करेगा ना, कुछ करूँगा ऐसे सब मिलके जो थोड़ा थोड़ा करके कुछ वो कर सकते हैं तो बहुत सारा लोग का उपकार होगा। जो लेबर्स है, दिन मजदूर है जी। तो कोरोना काल में वो लोग कोविड पॉजिटिव हो जाएगा तो आइसोलेशन में चला जाएगा, उसका फैमिली चला जाएगा, तो डेली कमाता है ना, संसार चलता है, तो कैसे चलेगा उसको। इसीलिए हम लोग सोच विचार करके ये डिसीजन लिया, ठीक है जितना हो सके करूँगा, मेरा जितना पाव क्षमता है वही क्षमता में करूँगा। यही सोच के लिए आप लोग पहले तो हम दर्शकों के सामने वही बोलते रहे कि आपको इस सोच के लिए आप मुबारकबाद देना चाहता है क्योंकि अब इस घड़ी में अपने आप को अपना अपना जो फैमिली का मेंबर लोग भी आगे नहीं आ रहा है तो एक जो बाहर के होते हुए भी आप जिस तरह से आगे आ रहे हैं उसको मदद के लिए सोच विचार करके आ रहे हैं, इसके लिए फिर भी आपको रियली हैट्स ऑफ टू यू है सर। मैं दर्शक लोग आपको जानना चाह रहे हैं दिलीप बागची वास्तव में कौन है, क्या है,
तो दिलीप बागची यहाँ कितने साल से रह रहे हैं और कहाँ पर का काम करते थे, बताइए ना। एक्चुअल मैं सिलीगुड़ी का हूँ, तो मैं 2000 में आया था, सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया था। फिर इधर 2013 में 2013 में मैं प्रमोशन लेके घूम चला गया, घूम में 3.5 साल था। फिर वापस मैं कारसेंग में अप्लाई किया। तो होता है क्या, कारसेंग भील में जो लोग आता है प्रिंस का, वो लोग उसका टाइम कंप्लीट होने के बाद ही बोलते हैं, यूनियन के बोलते हैं मुझे वापस कराओ सिलीगुड़ी, चले के चलो, वो चले के चलो, हिल में नहीं रहना है। तो मैंने ऐसे एक मेंबर था, जब भी रोटेशन के बात आता था मैं बोलता नहीं, मैं हिल में ही रहूँगा। मेरा यूनियन लीडर बोल रहा है ये कि तजुब बात है, ये एक मेंबर मतलब मुझे जो हिल में रहता है। अच्छा, तो मेरा ऐसा 2021 ईयर्स चल रहा है जी हिल में। अच्छा, तो इधर ही रह गया। मेरा घर एक्चुअल सिलीगुड़ी में है जी, और जो मेरा घर जलपाईगुड़ी में है, लेकिन मेरा खुद का घर सिलीगुड़ी में है जी जी जी। तो अभी रिटायर होने के बाद भी मन नहीं लगता कर्शन, क्योंकि आई लव कर्शन जी, आई लव कर्शन पीपल। तो आपके फैमिली में मेंबर क्या, कितना लोग हैं, कौन कौन है? मेरा वाइफ है, बेटा है, बेटी बेटी का शादी हो गया जी, अभी कलकत्ता में है, ये अभी तीनों है। तो सर अभी हम लोग जिस एज में खड़ा हुआ है, जैसे मतलब कोरोना काल ही बोल सकते हैं हम लोग का, COVID-19 की इतना त्रासदी है कि पूरा संसार ने इसको अच्छी तरह देख लो, क्या है कि संसार में जिस तरह से महामारी चल रहा है, अब पता नहीं कब क्या होगा, कोई बता नहीं सक रहा है, अब सर कोई बोल नहीं सक रहा है कि इस घड़ी में आपने जो सहायता के हाथ बढ़ाया, आपकी तरफ से मतलब फैमिली की तरफ से कितना मदद मिला आपको, फैमिली उनको सपोर्ट है कि नहीं? पूरा सपोर्ट है, 100%। मेरा फैमिली सपोर्ट है बोले तो मैं खुद आगे निकले। मेरा वाइफ का तो भी थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, नहीं तो वो भी प्रोग्राम में जा सकते, वो बोलते हैं मुझे लेके चलो। तो अभी बाद में जरूरत था जाएगा, कोई बात नहीं। और ऐसे ही फैमिली का पूरा सपोर्ट है, सपोर्ट है बोले मैं अभी जा रहा हूँ। सर आपको जब जब आपने न्यूज़ में दिया कि आपके मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपका ये सब मतलब फैमिली के साथ रहेगा और दूसरा जो लड़का लोग भी आपके साथ है बोल के, जब आपने वो न्यूज़ पब्लिश किया, उसके बाद लोगों की तरफ से कितना मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है और कितने लोगों का अभी तक आप लोगों ने उनको ये सहायता किया? लेकिन हो गया, आप लोगों को जो देखा था नमस्ते क्रिश्चियन तो अच्छा देखा था, वो बहुत सारा लोग को मालूम हुआ जी। मुझे इसे खुद फ़ोन किया था जानकारी के लिए, तो लास्ट में वो गांधी गांव से फ़ोन आया था, वो भी तीनों पॉजिटिव था। हम लोग गया था, वो रेशन पानी दे के आया। और ऐसे टाउन में तो ऐसे देखिए, वो फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम टाउन में ज़्यादा नहीं है। तो मैंने दो चार जगह अभी देख रहा हूँ, महानदी से कुछ खबर आया, तीन दरिया में भी है गांव से, तो अभी बातचीत चल रहा है, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग गांव में जाकर करेंगे। तो सर बाकी सर एक बात बताइए, जो फ़ोन आपके पास आएगा, जो वो डिमांड करेगा वही दे रहे हैं शायद आप, क्या अपनी तरफ से कुछ दे रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं पूछता हूँ जो आपको क्या रेशन कार्ड है बोला है, तो आपको क्या मिलता है बोले चावल आटा मिलता है, तो चाहिए ना, वो नहीं चाहिए, आपको क्या जरूरत है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आप बोलिए, मैं नोट करके लेता हूँ, नेक्स्ट डे आपके पास पहुँच जाएगी। तो नेक्स्ट डे वो जो रिक्वायरमेंट दिया उसी हिसाब से हम लोग सब्जी और रेशन पानी रेशन लेके देके आया। अच्छा, ये एक बार ही देने ही देंगे या मतलब फिर बाद में फिर उसका कंटिन्यूशन पीरियड तो शायद 15 डेज ऐसा है जी। तो मैं जो सामान दिया था वो मैं यहाँ 15 डेज का सामान एक साथ ही हो गया। अच्छा, उसके बाद भी जरूरत है तो हम लोग के पास प्रायोरिटी सेक्टर होगा, पहले देखते जो सबसे जरूरत किसका है जी, वही हिसाब से हम लोग देंगे, मतलब प्रायोरिटी के साथ बोल रहे हैं जी। दर्शक महानुभाव, यहाँले दिलीप बागचीजीले भन्नुभयो कि यदि कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरोको आवश्यकता परे खण्डमा यहाँलाई सहायताको लागि फोन गरे मार्फत
पहिला उहाँले सोध्नेछ कि उहाँलाई अहिलेको घडीमा के के कुराको आवश्यकता पर्छ भनेर, र त्यसको मुताबिकै यहाँले दिनुपर्छ दिने रहेछ। र साथमा यहाँले एउटा कुरो पनि बताउनु भयो कि यदि जुन चाहिँ आइसोलेसन पिरियड रहेको छ, हामी तपाईँलाई यादै छ कि यदि कोही घरको परिवारलाई कोभिड भएको खण्डमा उहाँलाई सेफ होममा लगिन्छ या अस्पतालमा लगिन्छ या आइसोलेसन गरेर राखिन्छ, यदि त्यो व्यक्ति कमाउने भएको खण्डमा उहाँले अब दिनौँ जुन चाहिँ डेली रोज कमाउने व्यक्तिलाई धेरै असुविधा हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले 15 दिनसम्मको रासिन पानीको व्यवस्था गरिदिने र फेरि चाहिएको खण्डमा पनि फेरि यहाँले जुन चाहिँ त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने पनि यहाँले वचन दिनुभएको छ। जस अब म हामी यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, बाक्सीजी चाहिँ फेरि बात गर्न चाह रहे कि बाक्सीजी अभी कोरोना कालका ऐसा मन्जर दिख रहा है कि कहीं पर अपने लोग भी अपने को छोड़ रहे, तो आज टीवी के मार्फत चैनल के मार्फत आपको हजारों लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों जो ऐसा विचार बना रहा है कि ऐसा सोच रख के बैठा हुआ कि कहीं मेरा अगर कोई परिवार का कोई सदस्य ये संक्रमित हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, तो मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, अगर ऐसा लोगों के लिए कि आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैं इसका उत्तर देने से पहले मैं मेरा एक पर्सनल बात बताना चाहता हूँ। मैं 2003 से मैं कैंसर पेशेंट हूँ। अच्छा। 70 ईयर्स हो गया मैं कैंसर पेशेंट हूँ। 70 ईयर्स में कैंसर के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी तक ठीक हूँ, अभी तक जिंदा हूँ मैं, तो वो लड़ाई का बात नहीं है। लड़ाई पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। और ये कोरोना काल में जो है, जो सबके लिए जो बोल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर ने जो एडवाइस दे रहा है, मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, और सोशल डिस्टेंस जो बोल रहा है ना, वो मैं आपत्ति है जी। सभी जगह में मीडिया में भी सोशल डिस्टेंस का मीनिंग क्या है बोलने के लिए, तो सोशल डिस्टेंस ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस ये वर्ड यूज़ करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस, सामाजिक बॉयकॉट, अभी यही तो हो गया, चाहे सामाजिक बॉयकॉट रहा है, किसी का कोरोना हो गया तो पॉजिटिव वो बॉयकॉट कर रहा है, तो सोशल डिस्टेंस, सोशल मेंशन मत कहिए, उसी जगह में फिजिकल डिस्टेंस मेंशन करने से शायद ये ठीक रहेगा। आपके साथ मेरा फिजिकल डिस्टेंस रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस ठीक नहीं है बात है, इसलिए मैं ये आपत्ति करता हूँ सब जगह में। सोशल डिस्टेंस क्या है, फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, ये मेंटेन करना है। और सबको यही बोलूँगा, थोड़ा ह्यूमिडिटी गाउन में सोचिए, किसी का पॉजिटिव कोरोना तो किस बुला के लेके नहीं आता ना, वो किसी को देखते नहीं है, धोनी गरीब किसको नहीं देखता। अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका क्या दोष है? तो फैमिली को ठीक है, उसको घर में रहना है, आइसोलेशन में रहना है, लेकिन उसको मदद कीजिए। मदद से बहुत ये से होता है ना, बाहर से मदद कीजिए, घर में तो आने की जरूरत नहीं है जी, तो उसको थोड़ा ऐसा होने दीजिए जो मेरे साथ है, कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। थोड़ा सोचिए जे ये कोई अपराध नहीं है, कोरोना हो गया तो मेरा कोई अपराध नहीं है, ये डिजीज है, रोग है, बीमार है, तो बीमार से दूर रहिए, इंसान से दूर मत रहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। दर्शक महानुभावहरु, भर्खरै हामीसँग हाम्रो यो विशेष कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो दिलीप बागची, सेन्ट्रल ब्याङ्कका पूर्व कर्मचारी, र यहाँले खुबै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। त्यसभन्दा अघि यहाँले एउटा कुरो साझा पनि गर्नुभयो कि यहाँ स्वयं पनि धेरै वर्षदेखि क्यान्सर पेसेन्ट हुनुहुन्छ, तर यहाँ आज त्यो लडेर अहिलेसम्म उहाँ यो उमेरमा पनि उहाँ तन्दुरुस्त देख्नुहुन्छ। एउटै कारण भन्नुभयो, उहाँको विल पावर, उहाँले हरेस खाएको छैन, यो संसारलाई उहाँले जुन रूपमा देख्ने चाहिरहेको छ। यहाँले एउटा कुरो पनि उल्लेख गर्नुभयो कि हामीले जुन चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेको छौँ, वास्तवमा एउटा खुबै राम्रो कुरोको यहाँले वर्णन गर्नुभयो, उच्चारण पनि गर्नुभयो, यसलाई सोसियल डिस्टेन्स नभनेर फिजिकल डिस्टेन्स भन्यो भने यसले अति इम्प्याक्टफुल, प्रभावकारी बनिन्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। म पनि यसलाई आजको दिनमा, आज भर्खरै मात्र मलाई यो वर्ड यहाँले बताउनु भयो, मलाई खुबै राम्रो लाग्यो, म यसको कुरोको लागि यहाँलाई सराहना गर्छु, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, हामीले आजको दिनमा रोगसँग पो हामीले टाढो रहनुपर्छ, त त्यो रोगीसँग होइन। यसले गर्दाखेरि हामी जाँदा जाँदा यही भन्न चाहन्छौँ कि आजको कोरोना कालमा हामीले कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्तिसँग होइन, तर त्यो रोगसँग हामी टाढो बसौँ। र हामी यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ, जतिपल्ट पनि हामीले यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, हाम्रो दर्शकहरूलाई यो बताइरहेको छौँ कि तपाईँहरू अनावश्यक
कुनै काम बिना नै बजारतिर ननिस्किनुहोस्। जब पनि बजारतिर निस्किनुहुन्छ, रासन पानीको व्यवस्था गरेर निस्किनुहुन्छ भने हप्ताभरिको रासन पानीको लागि तपाईँहरू निस्किनुहोस्। फेरि जब तपाईँ बजारतिर जानुहुन्छ, तपाईँले सामाजिक दूरत्वको कुरा गर्नुभयो, फिजिकल डिस्टेन्सको पनि तपाईँले त्यसलाई पालन गर्ने जति सक्दो प्रयास गर्नुहोस्, र जहिले पनि सेनिटाइज गर्नु, हातलाई सेनिटाइज गर्नुहोस्, र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँलाई त्यो रोगले जति सक्दो सङ्क्रमित गर्ने सम्भावना धेरै कम रहन्छ। किनभने बारम्बार हामीले भन्ने गर्छौँ कि पहिला आफू बाँच्नुहोस्, आफू बाँचे परिवार बाँच्न सक्छ र साथमा समाज पनि बाँच्न सक्छ। यसै भनाको साथ आजको यो विशेष कार्यक्रममा म दिलीप बाग्ची अनि उहाँको परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस प्रकारको सोच राखेर यहाँले मद्दतको हात बढाइरहनु भएको छ, र यस प्रकारको मद्दतको हात आउँदो दिनहरूमा हाम्रा अन्य व्यक्ति विशेषहरूले पनि गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। हवस् त, नमस्कार। नमस्ते खरसाङ।